उत्तर प्रदेश, वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश की कन्नौज की जो सीट है वो बेहद खास इसलिए हो जाती है क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं समाजवादी पार्टी की साख बचाने के लिए। इसी सीट का सियासी समीकरण पहले जानते हैं शीरीन से। बिल्कुल, कन्नौज महत्वपूर्ण सीट है चौथे चरण की और यहाँ का सियासी समीकरण क्या है, कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण है और क्या किस तरह की टक्कर है इस बार, देखिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और सुब्रत पाठक बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 1999 में समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते थे और उसके बाद यहाँ पर 2000 में उपचुनाव जब हुए तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीते, उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। 2004 में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में और उन्होंने ही जीत हासिल की और इसके बाद समाजवादी पार्टी 2009 में भी अखिलेश यादव जीते, 2012 डिंपल यादव उपचुनाव जब हुए तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीती, 2014 में भी डिंपल यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। सुब्रत पाठक हालांकि इसके बाद 2019 में यहां से जीते और अब देखिए जिस तरीके का मुकाबला कन्नौज में है, ये टक्कर जो है वो देखना होगा कि कौन जीतता है। तो समीकरण अब समझिए कन्नौज सीट का, कन्नौज सीट समाजवादियों का पुराना गढ़ रही है। ये सीट 1967 के चुनाव में राम मनोहर लोहिया यहां से जीते थे, 1967 मुलायम, अखिलेश और डिंपल कन्नौज से जीते हैं और इस बार फिर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। तीन बार कन्नौज के वो सांसद रहे हैं, एक बार फिर यहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं डिंपल यादव, जो दो बार कन्नौज की सांसद चुनी गई हैं, दो बार डिंपल यादव भी यहां से सांसद रही हैं। तो ये पूरा कन्नौज का सियासी समीकरण है लेकिन अभी क्या कुछ वहां से और अपडेट हमारे पास है सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संजय, वीवीआईपी सीट में कन्नौज भी हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, 2019 में भले ही वहां से जो है वो निराशा हाथ लगी हो लेकिन इस बार चुनाव दिलचस्प। निश्चित रूप से दिलचस्प है और इस सीट की महत्ता आप सुरीन ऐसे भी समझ लें कि खुद अखिलेश यादव इस सीट पर मैदान में हैं। अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था लेकिन उनका टिकट बदल करके अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं सुब्रत पाठक से दो दो हाथ करने के लिए। और जैसा आपने बताया 14 और 19 का सियासी समीकरण, 14 में डिंपल यादव जीती थी लेकिन 2019 में डिंपल यादव हार गई थी। 14 में जब प्रचंड लहर थी तब सुब्रत पाठक हारे थे और 2019 में जब बसपा के साथ था तब डिंपल यादव हारी थी। तो आप समझ सकती हैं कि ये सीट बड़ी अलग है और इसके महत्व को समझते हुए, इसकी वैल्यू को देखते हुए अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में है। माई फैक्टर पर उनको पूरा भरोसा है, मुस्लिम यादव समीकरण उनके साथ है ऐसा उनका दावा है और जो अदर ओबीसी है नॉन यादव वोटर्स हैं उस पर भी वो लगातार डोरे डाल रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पाल समाज की नाराजगी की बात यहाँ पर सामने आ रही है, भाजपा का वोटर रहा है और अखिलेश यादव लगातार उसे लुभा भी रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना है कि 4 जून को नतीजा क्या आता है लेकिन दोनों ही दलों ने पूरी ताकत अपनी झोंक रखी है, लगातार चुनाव प्रचार किए गए हैं। सुब्रत पाठक का घर मेरे बाईं ओर है, अभी थोड़ी देर में सुब्रत पाठक यहाँ से निकलेंगे और वोट करने जाएंगे लेकिन अभी यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, कार्यकर्ता समर्थक अभी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन जीत के दावे सुब्रत पाठक की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कन्नौज सहित अन्य जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ के वोटरों को मतदान केंद्र पर जाने से रोक रहे हैं, ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। ठीक है संजय, लेकिन बना कर रखिए। तो देखिए जैसे ही सुब्रत पाठक बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए संजय त्रिपाठी उनका भी रोक करेंगे और इस बीच मैं आपको बता दूं कि कन्नौज जो इत्र नगरी है वहां की सियासी खुशबू तो आपने जान ली, अब जरा हैदराबाद आपको लेकर चलेंगे जहां पर AIMIM का गढ़ मतलब उवैसी खानदान की पकड़ लगातार 1984 से बनी हुई है। 6 बार पिता सुल्तान सलाउद्दीन उवैसी हैदराबाद की सीट पर जीते, 4 बार जीत चुके हैं असदुद्दीन उवैसी और 5वीं बार अब वो चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड से, आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं आशीष से, आज हैदराबाद 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है, तस्वीर क्या है इस समय आशीष? जी रुबाना, आपने बिल्कुल सही कहा, वोटिंग शुरू हो गई, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये वोटिंग स्टेशन है, ये चवेला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। खास बात ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही इस पोलिंग स्टेशन पे असदुद्दीन उवैसी AIM प्रमुख, उसके अलावा हैदराबाद के सांसद, उनका वोटिंग है। एक यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस पोलिंग स्टेशन पे
हालांकि ये चवेला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, यहाँ MIM ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया हुआ, यहाँ पर उनकी वोटिंग है MIM प्रमुख की, लेकिन यहाँ पर उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में तेलंगाना में BJP के सबसे धनाढ़ उम्मीदवार हैं, 4,500 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने संपत्ति बताई है इलेक्शन कमीशन को, कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी वो यहाँ पर कैंडिडेट हैं। उसके अलावा डॉक्टर रंजीत रेड्डी हैं, वो BRS के में पहले सांसद थे, मौजूदा सांसद BRS से थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया हुआ। तो यहाँ कांग्रेस और BJP के बीच में टक्कर है। MIM प्रमुख का वोट यहाँ पर है, MIM ने यहाँ कोई टिकट किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया है। इशारों इशारों में MIM ने कांग्रेस के पक्ष में अपने समर्थकों को मतदान करने की अपील की थी। अगर हम बात करें हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इससे लगा हुआ इलाका हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, करीब 50 उम्मीदवार मैदान में है। प्रमुख उम्मीदवारों में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं, पांचवा चुनाव होगा उनका, चार बार वो जीत चुके हैं 1984 से ये सीट लगातार। सबसे दिलचस्प क्या है जिसके बारे में दर्शकों को जानना चाहिए, वो ये कि हैदराबाद में जो दोनों उम्मीदवार हैं असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ BJP की तरफ से माधवी लता, दोनों ही हैदराबाद लोकसभा सीट मतलब जिस सीट से खुद चुनाव लड़ते हैं वहां के वोटर नहीं है। चवेला के वोटर हैं असदुद्दीन ओवैसी, जैसा कि अभी अभी आशीष बता रहे थे, और आप जानते हैं सिकंदराबाद की वोटर माधवी लता हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।